स्टॉक मार्केट में विदाउट नॉलेज आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए आओगे तो आपका मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकता है, ठीक है? तो विदाउट नॉलेज विदाउट सेटअप कभी भी ट्रेडिंग मत करना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज है मंडे 17th of July, तो थोड़ा क्विकली आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूं। मैं आज के लिए बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पीछे, तो मुझे ये लगता है कि बैंक निफ्टी एक तो कैचअप करेगा नहीं तो निफ्टी को ड्रैग करेगा। तो जो मूवमेंट है वो बैंक निफ्टी में होगा ऐसे मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का सिलेक्शन किया है। अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है बैंक निफ्टी में, ओके, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड का प्लान करूंगा। आज का मेरा प्लान यही रहेगा बैंक निफ्टी में, रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 800 से लेके 1000 क्वांटिटी में आज ट्रेड करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि गलती से मेरा 40-50 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस चला जाता है, तो मेरा 40-50 हजार ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है? इसलिए लॉस कैलकुलेट करके, लॉस मैं एडवांस में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा सेटअप जब ट्रिगर होता है तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 50 पॉइंट से ऊपर कभी भी नहीं जाता, 30-40 होता है, फिर भी मैं थोड़ा 19-20 पकड़ के 50 ले रहा हूं। तो 50 पॉइंट के ऊपर मेरा बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस नहीं जाता। तो 50 × 900 1000 ये क्वांटिटी लेके कितना लॉस करना है ये मैं अभी सोच रहा हूं। देखो मैं डेली आपको यही बताता हूं कि लॉस अपने हाथ में, प्रॉफिट देना है कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है? तो आज का मेरा लॉस लिमिट इतना है। तो मैं अभी क्या करूंगा, 44,800 का डेटा यहाँ पे ट्रैक करना चालू करूंगा। 44,800-700 में अगर पुट राइटिंग होती है तो मैं अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी बाय करूंगा, ठीक है? मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कि मैं एंट्री कहाँ पे करने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता दिया, 40-50,000 रुपीज, उसके ऊपर 1 रुपए भी मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है? रिवॉर्ड का बाद में देखते हैं, क्यों क्या होता है प्रॉब्लम, कभी कभी मार्केट ऊपर जाता है प्रीमियम उधर ही रहते हैं, इसलिए मैं रिवॉर्ड ध्यान में नहीं रखता। फिर भी 1:1 से ऊपर तो आएगा ही आएगा, देखते हैं क्या होता है। अभी देखता हूं मैं ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट है। 44,800 का डेटा मुझे हेल्प करेगा कि आगे क्या करना है, ठीक है? तो वीडियो लास्ट तक देखो, स्किप मत करना। ओके, तो मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, कॉल बाय कर रहा हूँ, 900 क्वांटिटीज बाय कर रहा हूँ। क्यों बाय कर रहा हूँ? गलती से स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ से नीचे गया मार्केट, तो 30-40 पॉइंट का ही वैसे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है? तो रिस्क कैलकुलेट करके मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शंस बाइंग कर रहा हूँ, 44,800 का कॉल ले रहा हूँ। ओके, बाद में देखता हूँ क्या होता है। ऑप्शंस के टारगेट और स्टॉप लॉस थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट करता हूँ, देखता हूँ इसका क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले लॉजिक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखो मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स मतलब कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। ओके, कहाँ तक गिरा? यस वन मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस व्लॉग्स में देखा सिखाया हुआ है। अगर कोई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ एक बार पुराने व्लॉग्स भी चेकआउट करो, ठीक है? तो यहाँ पे सपोर्ट 1 के आसपास से मार्केट बाउंस हो रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, आपको पता है मैं स्टॉप लॉस कट टू कट नहीं लगा था, 19-20 स्टॉप लॉस है। और आज के लिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, पिवट तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस आया तो मैं बुकिंग नहीं करने वाला हूँ, टारगेट बुक नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रेड रिव्यू करूंगा कि पिवोट को मार्केट रिजेक्ट कर रहा है कि यहाँ से और भी ऊपर जाने के मतलब मोमेंटम में है, ठीक है? ये बाद में डिसाइड करूंगा, अभी मेरे हाथ में बस ये थोड़ा बहुत रिस्क है, थोड़ा बहुत मतलब 922 से लेके हम 200-199 तक बोल सकते हैं, ठीक है? मेरे मतलब मेरा जाके कितना जाएगा, 20-22 हजार रुपये जाएगा, उससे ऊपर 1 रुपये भी नहीं जाएगा, ठीक है? टारगेट्स का अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, स्टॉप लॉस तो मेरा फिक्स है, देखते हैं क्या होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मार्केट एक बार 44,800 के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत चलने लगा ना, डायरेक्टली 45,000 चला जाएगा, यहाँ पे कोई भी इसको नहीं रोकेगा, कोई भी रेजिस्टेंस आने तो कुछ नहीं वर्क करेगा। 44,800 एक बार बैंक निफ्टी निकाला ना, डायरेक्ट 45,000। इसलिए आज मैं 10-20 पॉइंट के ट्रेड में मतलब 10-20 पॉइंट का ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, थोड़े ज्यादा टारगेट्स के लिए मैं आज ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है? बाद में देखते हैं क्या होता है, चलो। ओके, ट्रेड तो मेरे फेवर में, बस क्या होना चाहिए, ये थोड़ा 44,800 के ऊपर सस्टेन हुआ तो ही मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे भर भर के लोगों ने कॉल बेचे हैं, अराउंड 31 लाख का कॉल राइटिंग है और 17 लाख का पुट राइटिंग है। ओके, तो मैं अभी भी नहीं बोल सकता कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाएगा, एक बार ये लोग भागने लगे ना 44,800 वाले तो 10-20-30 पॉइंट नहीं, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ ना मार्केट 45,000 ये वाला लेवल टच करेगा, बस ये 44,800 वाले निकलने चाहिए। अपना ट्रेड अभी तक फेवर में चल रहा है,
222 से अराउंड 252, लेकिन इतना खुश होने का जरूरत नहीं है क्योंकि रोकने वाला एक आदमी यहाँ पे है 262 पे, ये भी निकालेगा तो मार्केट ने आज देखो यहाँ पे एक टारगेट जोन है, यहाँ पे भी मुझे मार्किंग करना पड़ेगा। 309 एक दिक्कत वाला लेवल है, ठीक है। अभी सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है मेरा 262 जो है पिवट अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद मैं सोचूंगा। अभी मैंने कुछ ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस रिड्यूस करने का प्लान कुछ नहीं बनाया हुआ है क्योंकि अभी भी ट्रेड जैसे मैंने बोला लास्ट व्लॉग में कि अभी भी ट्रेड 1:1 के आसपास ही है। मैं नहीं बोल सकता कि अभी 1:2 है 3 है, तो जब भी ट्रेड 1:1 के आसपास होता है ना 19-20, ठीक है एकदम कट टू कट मत लेना, जब भी ट्रेड 1:1 के आसपास होता है तब अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस पूरा का पूरा जीरो किया तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से यहाँ आए और मेरा स्टॉप लॉस लेके फिर से ऊपर चले जाए, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे टाइम पे स्टॉप लॉस रिड्यूस नहीं करता, अभी मैं वेट करूंगा। अगर रेड कैंडल्स बनने चालू हो जाएंगे मेरे ट्रेड में कुछ दिक्कत आना चालू हो जाएगा, उसके बाद ही मैं ट्रेलिंग करना चालू करूंगा, ठीक है। देखते हैं बाद में क्या होता है, अभी तो सब कुछ फेवर में 40 सेकंड्स बचे हुए ये कैंडल खत्म होने के लिए। अगर यहाँ पे खत्म होता है ऑलरेडी इन ये लोगों के स्टॉप लॉस हट गए, ठीक है। इसके बाद एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस है इसका 50% जोन, मुझे लगता है वो भी मार्केट निकाल ही देगा, इतना बड़ी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, अभी देखते हैं ट्रेड का क्या होता है, चलो। ओके, तो जो सोचा था वही हो रहा है, जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया 44,800 का उसको फॉलो थ्रू मिलना अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है, फिर भी मैं यहाँ से नहीं हट रहा हूँ। ये कुछ फोर्सफुली ट्रेड वगैरह कुछ नहीं है, ये बस मेरा यही प्लान है कि जब तक ये कैंडल का लो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाता मैं वहाँ से नहीं निकलूंगा, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ ट्रेलिंग वगैरह स्टॉप लॉस एट द कॉस्ट ऐसा कुछ सीन नहीं किया है, जो है सब कुछ वही है, बस मुझे ये देखना है कि ये कैंडल का लो मार्केट कैसे रिएक्ट होता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि इसका क्या होता है। ओके, तो करंटली हैमर बन रहा है लेकिन अभी भी एक मिनट बाकी है, तो मैं अभी क्या करूंगा, अगर ये कैंडल कैसे भी क्लोज होने दो, मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ थोड़ा ऑप्शंस के चार्ट पे आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं 20-30 रुपये प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो कुछ मेरा स्टॉप लॉस है ना इसी कैंडल के नीचे, मतलब अराउंड एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पे 237 का इसका लो है, तो मैं स्टॉप लॉस मेरा 234 करूंगा, ठीक है। तो अब ये ट्रेड में होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 12, मतलब अराउंड एक 10-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा, लॉस तो कुछ भी नहीं होगा। प्रॉफिट तो मुझे वैसे ही ₹1,00,000 के आज प्रॉफिट के चांसेस लग रहे, एक्सपेक्टेशंस है मेरे, फिर भी मैं स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सेफ्टी के लिए 234 करूंगा। ये थोड़ा कैंडल क्लोज होने दो, ये 262 के ऊपर गया तो एक नंबर मजे ही मजे, लेकिन अभी ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अभी भी 30 सेकंड्स बचे हुए और मेरा जो प्लान था ये कैंडल का लो मुझे देखना था कि मार्केट कैसे रिएक्ट होता है, वो थोड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। अभी देखता हूँ, अभी 45,000 के पहले तो मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, होल्ड ही करूंगा। ओके, तो ये ट्रेड से मैं बाहर निकल रहा हूँ, क्यों निकल रहा हूँ, जैसे मैंने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं गया, बाद में गया तो मैं बाद में देखूंगा उसका क्या करना है, लेकिन करंटली 222 का बाइंग था और मेरा एग्जिट हो चुका है अभी 256 के आसपास। क्यों एग्जिट कर रहा हूँ मैं ये ट्रेड, क्योंकि पिवट के आसपास मार्केट आया और वहां पे डोजी बना, डोजी एक रिवर्सल साइन है और डोजी को रिवर्सल के साथ साथ एक फॉलो थ्रू भी मिला और ये फॉलो थ्रू अभी पिवट के नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने 222 वाला मेरा ट्रेड यहाँ पे अभी 256 के आसपास क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखता हूँ मैं नेक्स्ट ट्रेड कोई मिलता है कि नहीं, अभी करंटली यहाँ पे थोड़ा मेरा फ्लैट व्यू है, थोड़ी देर बाद में मैं ट्रेड करूंगा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरा सेटअप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने 256 के आसपास निकाल दिया है। एक्सट्रीम लेवल का बोर कर रहा है मार्केट हमेशा की तरह, जैसे मॉर्निंग का एक्सपेक्टेशन था 100 पॉइंट 120 पॉइंट, वो तो नहीं हुआ, लेकिन अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ। अभी आई थिंक 5-10 मिनट में एंट्री आ जाएगा, मॉर्निंग का ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया, ट्रेलिंग क्यों किया कब किया आपको पता दिया और पिवट का कंसेप्ट यूज करके एग्जिट कैसे करना ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया, लेकिन मुझे और एक यहाँ पे ट्रेड मुझे लेना है, बाय साइड का लेना है। बाय साइड के लिए ही मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे स्ट्रक्चर ही वैसा दिख रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऑल टाइम हाई के आसपास जब भी मार्केट होता है ना सब इंडेक्स में सब लोग बेचना कैसे सेल कैसे करना यही फाइंड आउट करते, इसलिए मैं थोड़ा अगेंस्ट जा रहा हूँ, सबके अगेंस्ट जा रहा हूँ, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, ठीक है, मैं अभी एंट्री का यहाँ पे प्लान बताता हूँ, रुक जाओ,
आई गेस 5-10 मिनट में मेरा एंट्री आ जाएगा। ट्रेंड लाइन जैसे ही क्रॉस करेगा मैं एंटर करूंगा, मेरे टारगेट सेम फर्स्ट कैंडल, दिन का जो फर्स्ट कैंडल है बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर मेरे टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ अगर यहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन सेटअप के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा तो मैं यहाँ पे एक बाय ट्रेड लेने वाला हूँ। सेलिंग का अभी भी मुझे कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है जैसे मैंने बताया, ठीक है, इसलिए 44,800 वाला ये ट्रेंड लाइन जैसे ही मार्केट निकाल देगा मैं फिर से यहाँ पे बाइंग करूंगा। क्वांटिटी सेम रहेगा, स्टॉप लॉसेस सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, टारगेट्स भी सेम रहेंगे। तो मुझे ये एक लास्ट ट्रेड करना है। ये अगर मुझे नहीं मिला अभी 12 बजे तक ये ट्रेड का मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर नहीं ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो मैं आज डन फॉर द डे करूंगा और गल्फ इन निफ्टी एक्सपायरी डायरेक्ट बैंक करूंगा। अभी भी सेम हाल है मार्केट का। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे लेफ्ट में देखो ग्रीन और रेड कुछ तो दिख रहा होगा, कुछ अलग नहीं है। ये यही बता रहा है कि मार्केट में कॉल राइटिंग इज इक्वल टू पुट राइटिंग है। अभी टाइमिंग हुआ है 11:20, लास्ट के 40 मिनट्स में वेट करूंगा, नहीं तो आज का जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो लेके मैं अभी बंद करूंगा। टोटल मेरा ट्रेडिंग खत्म होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज का कितना एमटीएम है और कुछ मैंने अलग ट्रेड्स किए कि नहीं, ये सब मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मुझे बस 40 मिनट वेट करना है मेरे ट्रेड के लिए, मेरे सेटअप के लिए। अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, लेकिन सेलिंग का यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं इससे अच्छा वेट करूंगा, थोड़ी देर बाद में मैं आपको अपडेट देता हूँ डायरेक्ट 12 बजे, देखते हैं कि कुछ ट्रेड मिलता है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो टाइमिंग हुआ है 11:45, यहाँ पे ट्रेड अभी भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि रेड बार को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है और जो रेड बार से उनका हाई भी नहीं ब्रेक हो रहा है। तो मेरा सेटअप यही है कि कोई भी एक रेड बार हो उसके बाद एक कैसा भी ग्रीन कैंडल बने जो रेड बार के नीचे उसका लो चाहिए और उसके बाद जो कैंडल आता है वो रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, इनकेस आपने मिस किया तो वो एक बार देख लो। तो करंटली देखो मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने बेचा प्रैक्टिकली यहाँ ज़्यादा लोग बेच नहीं सकते, फिर भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, यहाँ भी स्टॉप लॉसेस है, तो 3 से 4 जगह ऊपर, 4 लिखा है, ठीक है, 4 जगह ऐसी है ऊपर जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस, नीचे कहाँ पे बस 1 लाख लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे जैसा अपना मॉर्निंग में था। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाय साइड के ही ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन अब बस मैं 10 मिनट वेट करूंगा, उससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करूंगा मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मेरा सेटअप ज़्यादातर करके मॉर्निंग में ही चलता है, बाद में लॉसेस होते हैं। इसलिए अगर ये ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी और ये रेड कैंडल के ऊपर चला गया तो ही मैं बाइंग करूंगा। सेलिंग का सेटअप यहाँ पे मेरा दिख नहीं रहा है इसलिए मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो लास्ट 15 मिनट्स कुछ नहीं मिला तो मैं यहाँ पे ही मार्केट आज बंद कर रहा हूँ। ठीक है, बताता हूँ लास्ट अपडेट आपको 12 बजे देता हूँ मैं। ओके, मैं यहाँ पे फिर से कॉल बाइंग कर रहा हूँ। आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट दिखा क्या दिखा, लेकिन देखो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न जो होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे एक दिन का लो है, प्लस जहाँ से बाइंग आई थी वो यहाँ से आई थी, राइट, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉइंग किया। ठीक है, तो ये डबल बॉटम, सॉरी मैंने डबल टॉप बोला, डबल बॉटम फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैं कॉल उठा रहा हूँ। मेरे स्टॉप लॉसेस थोड़ा अभी कैंडल टू कैंडल नहीं लगा सकता, क्यों, ऑलरेडी मैंने पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस में रिसेंट स्विंग के नीचे यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 1:2 के मेरे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, देखते बाद में क्या होता है, बहुत टाइम बाद ट्रेड मिला है, ये मेरा लास्ट ट्रेड है, इसमें जो होगा देखा जाएगा, नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम बंद करने वाला हूँ। ठीक है, ये लास्ट ट्रेड है, 1:2 ट्रेड, 1:2 रिसीव ऑर्डर और डबल बॉटम वाला ट्रेड है। ठीक है, बाद में बता दूं, पोजीशन ऑन है, मैं उसकी तरफ देखना ही बंद किया क्योंकि उसमें लॉस होगा नहीं ऐसा मुझे भी लग रहा है, तो देखने से अच्छा ज्यादा देखूंगा तो वहां पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के चांसेस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो हिट होने के चांसेस है, इसलिए जहां से बाय किया स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। बीच बीच में जाके वहां पे देख रहा हूँ क्योंकि इतना बोर कर रहा है ना ये ऑप्शन बाइंग का, यही स्ट्रगल है, इससे अच्छा ऑप्शन सेलिंग करता ना, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करता तो थोड़ा बहुत मिल ही जाता। अभी देखो इसका हाल देखो, अभी भी ये नियर बाय जहां पे बाइंग किया ना मैं वहां पे ये, तो देखता हूँ ये ट्रेड में क्या होता है। एक बार 44,800 निकाल देगा ना डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, लेकिन वही लेवल अभी वो निकाल नहीं रहा है। इनिशियल ट्रेड में जितना रिस्क था वो रिस्क इसमें मैंने फिर से इंक्लूड किया है, तो अगर ये ट्रेड में मेरा गलती से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, कैपिटल नहीं जीरो होगा, आज का गेन जो है वो पूरा जीरो हो जाएगा। फिर भी देखता हूँ, अभी भी मेरे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है,
वैसे मैं 12 बजे पूरा मार्केट आज बंद करने वाला था, ट्रेडिंग बंद करने वाला था, लेकिन मुझे 12 बजे के आसपास ही एंट्री मिला, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी भी। ये ट्रेड मुझे लगता है मेरे फेवर में आएगा। मुझे बस 2 से 3 ग्रीन कैंडल चाहिए, उसमें मेरा पूरा का पूरा MTM, पूरा जो मेरा टारगेट है ना वो आ जाएगा। बस 2 से 3 हेवी ग्रीन बार्स, और वो अभी आएंगे 5 से 10 मिनट में, ऐसा मुझे भी लग रहा है। ठीक है, देखता हूँ मैं पोजीशन क्या होता है, अपडेट देता हूँ आपको बाद में। ओके, तो पोजीशन में होल्ड कर रहा हूँ। क्यों होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर 44,800 के आसपास, उसको नीचे की तरफ अभी फॉलो तो नहीं मिल रहा है। ओके, तो हाई चांसेस है कि अभी 1-2 मिनट में ही मेरे टारगेट्स आ जाएंगे। टारगेट्स के लिए अभी कितना 60 पॉइंट ही बचा है। ठीक है, तो मैं अभी ये ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ। क्वांटिटी वगैरह ऐड करने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि 44,800 में कॉल राइटिंग है, इसलिए मैं क्वांटिटी वगैरह कुछ आज ऐड नहीं करूँगा। जो रिस्क है वही फॉलो करूंगा, उससे ज़्यादा अभी अननेसेसरी रिस्क यहाँ पे लेने का प्लान नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसका क्या होता है। टारगेट्स पे है और मैं ट्रेलिंग कर करके अभी 45,000 के आसपास मार्केट है, जो मेरा सुबह का एक्सपेक्टेशंस था कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन वो सुबह तो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन नेक्स्ट हाफ में हुआ। तो मैंने अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना पैसा बना और कितना नहीं। ओके, तो आप देख सकते हो अराउंड 93,000 रुपीज प्रॉफिट यहाँ पे बना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ एक बताता हूँ मैं आपको। देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो एकदम यहाँ से ऊपर गया, तो स्पाइक के बीच बीच में मैंने डर के यहाँ पे 299 और 290 पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी बेच दिया, नहीं तो आज ये अराउंड 1.2 1.3, नहीं वो जाने दो, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी मेरा जो टारगेट था 45,000 का था, इसलिए मैंने जैसे ही मार्केट ऊपर आया, R1 के आसपास आया, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया। अभी इसके भी ऊपर जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड कितना अचीव हुआ आज, अराउंड 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ। ऐसे रेगुलरली इतना नहीं आता, आज लकीली आया हुआ है। ऑलरेडी मैंने प्लानिंग सुबह से ही बना के रखा था कि यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से डायरेक्टली मैं बोल रहा था 45,000 जाएगा, लेकिन मार्केट है थोड़ा बहुत परेशान करेगा ही करेगा। मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे बस एक ही लोगों का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 2-3 लोगों के स्टॉप लॉस है। ठीक है, एक सेकंड, मार्केट पागल हो गया, मैं अभी मार्केट को नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा जो प्लान था थोड़ा बहुत बच गया प्लान, लेकिन जाने दो जितना है इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, तो मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जो पुराने व्लॉग्स है 1-2 बार देखो, आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे लगाना है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते, और आपके पास सेटअप, स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर आपने दोनों भी मेरे ट्रेड्स देखे होंगे तो जो सबसे दिन का लो वाला कैंडल है ना, वहां मैंने ट्रेड्स कैच किए, लेकिन ये ट्रेड स्केच करने के लिए आपको एक कन्विक्शन चाहिए। वो कन्विक्शन आपको टाइम के साथ आएगा, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में या 2-3 वीक में नहीं आएगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैंने कितना टाइम दिया ये सब आपको पता है। ठीक है, तो MTM देख के मोटिवेट होने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर ये आप सीखोगे तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट से चालू करो, बाद में जितना लॉट लेना है वो ले सकते हो। आज आपने देखा कि मैंने भी ज्यादा लॉट से आज ट्रेडिंग नहीं किया, और मैंने आज निफ्टी क्यों नहीं किया, बैंक निफ्टी ही क्यों किया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। और मैंने भी आज 900 क्वांटिटी से ही ट्रेडिंग किया था, वो भी मैंने बीच बीच में डर डर के वहां से भाग दिया था। क्यों भाग लिया मैं वहां से, मेरा रिस्क रिवॉर्ड डेली का 1:2 है, मैक्सिमम 3 है। ये आज डायरेक्टली एक ही कैंडल ने 1:4-5 दिया, तो डायरेक्टली वहां से मैं निकल गया। ठीक है, जाने दो अभी जो हुआ हो, आज का ट्रेडिंग, आज का सेटअप यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं अभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ठीक है, आई थिंक ये व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो, चैनल पे पुराने हो, कैसे भी हो, सब लोग ये व्लॉग लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है समझ में। ठीक है, क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, इतने जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा 2-3 मंथ चैनल पे आप टाइम दो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है, मैं डे लो वाली कैंडल कैसे फाइंड आउट करता हूँ और वहां पे ट्रेड कैसे लेता हूँ। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल लगाओ, लाइक दबा के चले जाओ। ठीक है, बाय बाय।